चुनाव के बीचों बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे आरक्षण को खत्म करने के संकेत माना जा रहा है। यूं तो बीजेपी के नेता अक्सर SC ST OBC के आरक्षण का खुलेआम विरोध करते रहे हैं, लेकिन अब खुद सरकार में बैठे लोग ही आरक्षण के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि आरक्षण का आधार गरीबी होना चाहिए। अमर उजाला अखबार को दिए इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने आरक्षण पर बड़ा बयान दिया। राजनाथ सिंह से एक सवाल पूछा गया था कि विपक्ष का कहना है कि यदि भाजपा 400 पार हुई तो आरक्षण या संविधान में बदलाव होगा। इसके जवाब में राजनाथ सिंह ने कहा, 80-90 बार संविधान में संशोधन तो इन्हीं लोगों ने किया। वर्ष 1976 में इंदिरा गांधी ने तो संविधान की आत्मा उसकी प्रस्तावना में ही परिवर्तन कर दिया था। धर्म के नाम पर नहीं, गरीबी के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। भारत में इस समय गरीबी के आधार पर ही आरक्षण दिया जा रहा है, इसे खत्म करने का प्रश्न ही नहीं उठता। विपक्ष कहता है कि हम धर्म के नाम पर आरक्षण देंगे, क्या संविधान इसकी इजाजत देता है? मैं विपक्ष से कहता हूं कि अल्पसंख्यकों से झूठ मत बोलो। राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार आरक्षण के आधार को ही बदलना चाहती है? भारतीय संविधान में SC ST को उनकी जाति के साथ हुए छुआछूत की वजह से आरक्षण मिला है। राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद से सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार आरक्षण के आधार को ही बदलना चाहती है? भारतीय संविधान में SC और ST को उनकी जाति की वजह से हुए छुआछूत की वजह से आरक्षण मिला है, जबकि OBC को सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है। मोदी सरकार ने 2019 में संविधान में 103वां संशोधन करके आर्थिक आधार पर पिछड़े सवर्णों को एक्सक्लूसिव 10% कोटा दे दिया था। यानी भारत के संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान ही नहीं था, लेकिन मोदी सरकार ने संविधान में ही बदलाव कर दिया और एक नए तरह के आरक्षण यानी गरीबी के आधार पर आरक्षण की शुरुआत कर दी। बीजेपी और RSS से जुड़े लोग अक्सर ये दावा करते रहते हैं कि आरक्षण का आधार जाति नहीं बल्कि गरीबी होना चाहिए और गरीबी के आधार पर ही आरक्षण मिलना चाहिए। अब इस बात को चुनावों के बीच में मोदी सरकार के बड़े मंत्री राजनाथ सिंह ने ही दोहरा दिया, तो क्या इसका मतलब ये है कि मोदी सरकार की नीयत है कि चुनाव के बाद वो आरक्षण के आधार को ही बदल देना चाहते हैं? इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमार ने भी सवाल उठाया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, अमर उजाला को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंटरव्यू दिया है। राजनाथ जी कह रहे हैं कि आरक्षण का आधार गरीबी होना चाहिए, क्या वे आरक्षण के आधार को बदलने की बात कर रहे हैं? आरक्षण विरोध की शुरुआत इसी तर्क से होती है, बाकी आरक्षण के सिद्धांत जानकार इस पर रोशनी डालेंगे ही, बताएंगे कि धर्म और गरीबी के बीच एक मुख्य आधार गायब है और वो क्या है। राजनाथ सिंह का इंटरव्यू पेज 10 पर छपा है। वरिष्ठ राजनेता हैं, कई बार चुनाव जीत चुके हैं, आज लखनऊ में मतदान भी है। ये सवाल तो वाजिब है, क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि आरक्षण गरीबी के आधार पर दिया जा रहा है, इससे SC ST और OBC समाज के मन में तो शंका पैदा होगी। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है कि वो गरीब को अमीर बना दे। आरक्षण भागीदारी का नियम है, आपको भागीदारी की गारंटी देता है और SC ST OBC के साथ जो इतिहास में गैर बराबरी हुई है, जो नाइंसाफी हुई है, उसके मुआवजे के तौर पर आरक्षण एक व्यवस्था दी गई है। लेकिन मोदी सरकार ने जिस तरह से ये बयान दिए हैं, जिस तरह से उनके मंत्री बयान दे रहे हैं, उससे SC ST OBC समाज के मन में शंका तो पैदा होगी ही, क्योंकि मोदी सरकार ने जिस तरह से पिछले 10 सालों में आरक्षण पर हमला किया है वो सबके सामने है। फिर चाहे वो उन तमाम सरकारी कंपनियों को प्राइवेट हाथों में बेचने का मसला हो जहां SC ST OBC का संवैधानिक आरक्षण लागू था, या फिर लेटरल एंट्री में हुई सिर्फ सवर्णों की भर्ती का, चाहे SC ST OBC के बैकलॉग को ना भरना हो, या फिर रिजर्व सीटों को NFS यानी नॉट फाउंड सूटेबल कहकर जनरल कैटेगरी में तब्दील कर देना और सवर्णों की भर्ती कर देना। पिछले 10 सालों में आरक्षण की एक तरह से निष्प्रभावी बना दिया गया है, आरक्षण एक तरीके से निष्प्रभावी हो गया कि यानी उसका होना या ना होना एक बराबर हो गया है। सरकार के मंत्रियों से लेकर बीजेपी RSS के नेताओं तक लोग खुलेआम आरक्षण और संविधान को खत्म करने की बातें कर रहे हैं। बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि 400 पार सीट मिलते ही संविधान में मन मुताबिक बदलाव किए जाएंगे। देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए होती है। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और NDA का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्यसभा में आज भी हमारी मेजोरिटी है। अगर इस बार तीसरी बार NDA की सरकार आती है तो शर्तिया
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसीलिए 400 सीटें चाहिए कि संविधान में जो हकाधिकार दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को दिए गए हैं उन्हें छीन लिया जाए। ये शक इसलिए भी गहरा जाता है क्योंकि बीजेपी नेता सरेआम आरक्षण के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इन दिनों यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आरक्षण पर लिखा एक लेख भी खूब वायरल हो रहा है। इस लेख में योगी आदित्यनाथ आरक्षण के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और आरक्षण को कोसते हैं। योगी आदित्यनाथ की वेबसाइट पर उपलब्ध इस लेख का टाइटल है आरक्षण की आग में सुलगता देश। इस लेख में पहली लाइन में ही योगी आदित्यनाथ लिखते हैं कि किसी समाज अथवा जाति को अगर आक्रमण अथवा निकम्मा बनाना हो तो उसे बिना कर्म किए सुविधा प्रदान करते जाइए। निश्चित ही एक समय के बाद आक्रमणता एवं निकम्मापन उस जाति अथवा समाज में सर्वत्र दिखाई देगा। यानी योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जिन लोगों को आरक्षण मिलता है, बिना काम की आरक्षण मिल जाता है, वो निकम्मे हो जाते हैं और आरक्षण ने SC ST OBC की जातियों को निकम्मा बना दिया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि योगी इस लेख में भी गरीबी के आधार पर आरक्षण की वकालत करते हैं। ऐसे में ये सवाल तो पूछा ही जाएगा कि क्या मोदी सरकार की मंशा SC ST OBC को मिलने वाले आरक्षण को बदलने की है। ये सवाल तो पूछने की ज़रूरत है मोदी सरकार से, क्योंकि इस समय चुनाव चल रहा है और चुनाव में ये मुद्दा बना हुआ है। आरक्षण पर बार बार बयानबाजी हो रही है, मोदी सरकार विपक्ष को घेर रहा है और विपक्ष कह रहा है कि मोदी सरकार आते ही सत्ता में 400 पार का नारा दे रही है और जैसे ही सरकार में आ जाएंगे ये संविधान को बदलेंगे, आरक्षण को खत्म करेंगे। इस बीच में राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ के इस तरह के बयान कहीं ना कहीं दलित बहुजन समाज के मन में शंका पैदा कर रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी वाकई आरक्षण को खत्म करना चाहती है? कमेंट करके लिखें। और आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल द न्यूज बीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।